हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी है और वो कूलिंग नहीं कर रहा है, उसमें कुछ एरर शो नहीं हो रहा है आपके इंडोर यूनिट में, तो आपको गाइस करना ये होगा कि आपका आउटडोर यूनिट के कवर को खोल के उसकी पीसीबी को पलटा के बैठना पड़ेगा वहां पर, और अपने आपके साथ जो भी पार्टनर आया हुआ है उससे आपको एसी ऑन कराना पड़ेगा। एसी ऑन करने के बाद आप देखेंगे गाइस उसमें बहुत सारे एलईडी लाइट रहती है, अगर उसकी एलईडी लाइट 5 बार 5-10 अगर ब्लिंक कर रही है गाइस, वो तो F2 का एरर है। तो F2 का एरर जो है उसकी मैं पूरी मीनिंग आपको बताऊंगा, वो किस चीज का एरर है, वो क्यों आ रहा है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आगे मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ बात करना है, कुछ कूलिंग से रिलेटेड कुछ मुझसे डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, मुझे उसमें फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे अगर आपके पैनासोनिक इन्वर्टर एसी में आउटर पीसीबी में अगर 5 बार 5 टाइम अगर आपकी एलईडी ब्लिंक कर रही है तो F2 का एरर है। F2 का एरर उसका मीनिंग जो है गाइस, कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप है, कंप्रेसर आपका जो है वो रनिंग नहीं कर पा रहा है, वो आउट ऑफ स्टेप हो गया है, कंटिन्यू नहीं बता रहा है। तो ये तो हो गया है गाइस कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप, इसकी मीनिंग हुई। अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक क्लियर करना है गाइस, कंप्रेसर की पूरे वायर को निकाल के आप उसमें कंटिन्यू चेक करिए, कंटिन्यू तीनों लाइन में सेम आना चाहिए। अगर वो 19-20 हो रहा है या किसी में नहीं बता रहा है, किसी मतलब किसी टर्मिनल में नहीं बता रहा है आपको कंटिन्यूटी, तो आपको जो कंप्रेसर है वो पूरी तरीके से डेड हो गया है। तो आपको इस सिचुएशन में यही करना है, कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ेगा। कंप्रेसर चेंज करने के बाद ये वाला फॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करो।